पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले पद्मेश न्यूज के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गरिमामय माहौल में मनाया गया गणतंत्र दिवस पर्व। मुख्य समारोह में कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने किया ध्वजारोहण। शानदार परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे आकर्षण का केंद्र। जगह जगह लहराया राष्ट्रीय ध्वज। सभी जगह मनाई गई संविधान लागू होने वाले दिवस की खुशियां। राजपूत समाज ने पद्मावत फिल्म के प्रदर्शन पर लगाई रोक। कहा, कुछ असामाजिक तत्व राजपूत समाज के नाम पर फैला सकते हैं अशांति। देश दीप परिषद ने निकाली दीप यात्रा। घरों और प्रतिष्ठानों में जलाए गए दीपक। और शनिवार को भरवेली में खेला जाएगा फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच। नागपुर और मुंबई के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। देश की आन बान और शान का प्रतीक 69वां गणतंत्र दिवस शुक्रवार को देश भर में धूमधाम के साथ मनाया गया और लोगों ने इस पर्व को एक राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाते हुए अपने राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को प्रदर्शित किया। देश के संविधान का महापर्व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को नगर मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में देशभक्ति और देश प्रेम के जज्बे के साथ हर्षोल्लास से मनाया गया। नगर में इस राष्ट्रीय पर्व को लेकर एक अलग ही उत्साह दिखाई दिया और सूरज की पहली किरण के साथ ही शहर देश प्रेम के रंग में रंगा हुआ नजर आया। हर ओर लहराता राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के आन बान और शान की कहानी कह रहा था। इस पावन अवसर पर छात्र छात्राओं के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने शामिल होकर इस राष्ट्रीय उत्सव में अलग रंग भरे। वहीं गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह नगर के मुलना स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री श्री बिसेन शामिल हुए। इस समारोह में जहां पुलिस, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट कैडेट परेड में शामिल हुए, वहीं इस उत्सव के साक्षी के तौर पर तमाम वरिष्ठ पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की गरिमामय शुरुआत कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन द्वारा ध्वजारोहण कर किया गया, जिसके साथ ही फिजा में राष्ट्रगान गूंज उठा। श्री गौरीशंकर जी बिसेन, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल हमारे बीच उपस्थित, आप सभी से अनुरोध, अपने स्थान पर खड़े हो जाए प्लीज। इसके पश्चात मुख्य अतिथि श्री बिसेन के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जनता के नाम संदेश का वाचन किया गया। इसके पश्चात जवानों के द्वारा कदम ताल मिलाते हुए मार्च पास्ट कर तिरंगे झंडे को सलामी दी गई और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मुख्य अतिथि महोदय जोरदार तालियों से दर्शक जो है उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं यहाँ जिसका नेतृत्व कर रहे हैं
अश्विनी कुमार उप निरीक्षक कोबरा 208। तालियां बजाइएगा इन जवानों का, हौसला बुलंद कीजिएगा जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, रात दिन अपनी सेवाएं देते हैं। दूसरा प्लाटून CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका नेतृत्व कर रहे हैं प्रदीप प्रसाद उप निरीक्षक। कृषि विकास दर तो 18 से 20% तक प्रतिवर्ष रही है। प्रदेश का बजट 2,00,000 करोड़ रुपए का कर चुका है और प्रति व्यक्ति आय में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। राज्य की सरकार के सुशासन तथा बेहतर वित्तीय प्रबंधन का नतीजा है कि लगातार मध्य प्रदेश की विकास दर देश के औसत विकास दर से अधिक है। यह आवश्यक है कि विकास दर न केवल अधिक होती है समावेशी भी हो और गरीबों की भी उतनी भागीदारी हो जितने बड़े लोगों की हो। राज्य की समावेशी विकास नीति को ध्यान में रखते हुए शासन ने गरीबों के लिए रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई और रोजगार इन सबके लिए महत्वाकांक्षी योजना चलाई है। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत जहाँ प्रदेश में 5,50,00,000 से अधिक जनसंख्या तक 1 रुपया प्रति किलो अनाज पहुँचाया गया है, वही शहरों में दीनदयाल रसोई के माध्यम से गरीबों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रत्येक गरीब को छत मिले इसके लिए प्रदेश सरकार ने कानून बनाकर इसे सुनिश्चित करने का बेड़ा उठाया है। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने देश प्रेम और देशभक्ति में डूबे हुए मनमोहक प्रस्तुति दी जिसकी काफी सराहना की गई। आइए नजर डालते हैं इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के कुछ झलकियों पर। Thank you.
इसके बाद विभिन्न विभागीय झांकियों का प्रदर्शन किया गया और कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कारों का वितरण किया गया। नगर पालिका परिषद बालाघाट समारोह में आयोजित परेड में कोबरा बटालियन को प्रथम पुरस्कार दिया गया। वहीं परेड जूनियर में प्रथम स्थान पीजी कॉलेज, द्वितीय स्थान एनसीसी उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट और तृतीय स्थान महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल ने प्राप्त किया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रथम स्थान आदिवासी विकास विभाग ने प्राप्त किया, द्वितीय स्थान पर दादाबाड़ी जैन विद्यालय और तृतीय स्थान पर महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल ने प्राप्त किया। वहीं झांकी प्रदर्शन में जिला पंचायत बालाघाट की झांकी प्रथम स्थान पर रही, द्वितीय स्थान कृषि विभाग की झांकी ने प्राप्त किया। वहीं आदिवासी विकास विभाग की झांकी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा उत्कृष्ट सेवा देने वाले अधिकारी कर्मचारी और समाज सेवी संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर समस्त शासकीय कार्यालयों, पार्टी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान व प्रमुख स्थानों पर पूरे सम्मान के साथ ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद सामूहिक रूप से राष्ट्रगान का गायन किया गया। कलेक्टर कार्यालय में डीवी सिंह द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसी प्रकार जिला न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल, एसपी कार्यालय में पुलिस अधीक्षक अमित सांघी, जिला पंचायत कार्यालय में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन, नगर पालिका में नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे, जनपद पंचायत बालाघाट में जनपद पंचायत अध्यक्ष पूरन लाल ठाकरे, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में अध्यक्ष राजकुमार रायजादा, जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, जिला कांग्रेस कार्यालय में पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार व यातायात थाने में यातायात थाना प्रभारी श्रीमती स्नेहा चंदेल द्वारा ध्वजारोहण किया गया। नगर के गुजरी चौक में हर वर्ष की तरह तीन झंडे फहराए गए। नगर पालिका की ओर से उपाध्यक्ष श्रीमती वीणा कनौजिया, भाजपा की ओर से हर्षद भाई पटेल और कांग्रेस की ओर से नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्याम पंजवानी द्वारा तिरंगा झंडा फहराकर राष्ट्रध्वज को सलामी दी गई। इसी प्रकार समस्त शासकीय कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों द्वारा तिरंगे झंडे को फहराया गया। इसके बाद शैक्षणिक संस्थानों, स्कूलों में देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रम हुए। छात्र छात्राओं ने गीत, भाषण व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, शुभ
गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हारन जब गगरी भरने आए मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए लसन लो कदम कदम पे है मिल जाए के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले मेलों में नट के तमाशा परियों की कहानी ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हाँ ऐसा देश है जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता अरे दस पलामी अतिथि सम्मान जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब। फिल्म पद्मावत को लेकर पूरे देश में चल रहे विरोध के बीच गुरुवार को मध्य प्रदेश के केवल बालाघाट जिले में पद्मावत फिल्म का प्रदर्शन किया गया। फिल्म प्रदर्शित किए जाने के एक दिन बाद ही राजपूत समाज द्वारा फिल्म प्रदर्शित किए जाने पर रोक लगा दी गई है। फिल्म प्रदर्शन पर रोक लगाए जाने का यह निर्णय शुक्रवार को पूर्व विधायक अशोक सहस्रसवार के निवास पर आयोजित एक बैठक में राजपूत समाज द्वारा लिया गया है। राजपूत समाज द्वारा एक पत्र परिषद का आयोजन कर फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाए जाने की जानकारी दी गई है। इस पत्र परिषद को संबोधित करते हुए जिला राजपूत क्षत्रिय सभा के अध्यक्ष संजय कछवाहा ने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें सूचना दी गई है कि कुछ असामाजिक तत्व अपने निजी हितों के लिए राजपूत समाज को आधार बनाकर उपद्रव करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसको लेकर समाज द्वारा फिल्म पर रोक लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि समाज सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करता है। जब पूरे मध्य प्रदेश में फिल्म प्रदर्शित होगी तब बालाघाट में भी लगी रोक हटा ली जाएगी। काफी माहौल चल रहा है। कल पिक्चर पूरे देश भर में रिलीज हुई थी। चार राज्यों में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पे रिलीज नहीं हुई थी। पिछले चार पांच दिन से हमारे समाज के सभी लोगों में हमारी काफ़ी मीटिंगें हुई। उसके बाद हम चूंकि एक शिक्षित समाज के नाते सभी हमारे सदस्यों का ये मानना था कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पिक्चर के रोक हटा दी है तो इस पर हमें कोई प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। तो इस बारे में हमने सभी मॉल और जो टाकिज वाले उनसे भी हमारी बात हुई थी। हमने बोले थे कि आप पिक्चर मध्य प्रदेश में यदि होती तो दिखाइएगा और यदि मध्य प्रदेश में नहीं होती तो आप प्रदर्शन ना करिएगा। कल बाकी सभी टाकिजों में बंद रहा था। यहाँ मिराज सिनेमा में कल शुरू के 400 रिजेक्ट कर दिए थे। बाद के 100 चले थे। उनसे बातचीत हमारी हुई थी कि माहौल ठीक है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य ये था
कि अभी सभी टॉकीज वालों से आज हमारी बात हुई, उनसे हमने अपील किए और उनने हमारी अपील को मानते हुए आज पूरी टॉकीजों में पिक्चर रोक दिया। कल केवल मिराज में दिखाई गई थी, मिराज ने भी बोल दिया है कि हम जब तक पूरे प्रदेश में एक साथ रिलीज नहीं होगा अब पिक्चर का शो यहाँ पे बालाघाट में नहीं करेंगे। वहीं पूर्व विधायक अशोक सरस्वार ने बताया कि समाज सुप्रीम कोर्ट और सेंसर बोर्ड के निर्णय का सम्मान करता है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व फिल्म को लेकर कोई बवाल न करें, जिसे देखते हुए फिल्म पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम सेंसर बोर्ड का सम्मान करते हैं, हम सरकार के आदेश का सम्मान करते हैं और आज का जो हम बंद करवा रहे हैं सिनेमा को, पिक्चर को, सिर्फ हमारा एक ही उद्देश्य है कि बालाघाट जिले में अशांति न हो, सिर्फ एक ही उद्देश्य। करनी सेना का उद्देश्य बहुत पवित्र है, वो राजपूत क्षत्रिय समाज के इतिहास को बिगड़ने नहीं देना चाहते हैं, यही उससे उद्देश्य से कुछ सीनों को उन्होंने ख़त्म किया। सेंसर बोर्ड ने भी बहुत माइन्यूटली ये सब ऑब्जेक्शन देकर, उन्होंने सेंसर बोर्ड ने पास किया है उसको, सब देकर के एक वक्त लौटा दिया था फिल्म को। हम मानते हैं कि बहुत सारी चीज़ सही हो गई है और ये भी हमने सुना है कि पिक्चर राजपूत के शान बान शान को रखते हुए बिल्कुल सही पिक्चर है, पर आज जो हम लोग डिसीजन ले रहे हैं सिर्फ बालाघाट में अशांति न हो, सिर्फ मात्र इसके लिए ले रहे हैं। तिरौड़ी क्षेत्र के ग्राम सावर गांव में एक 16 वर्षीय लड़की शारदा नकपुरे ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, उसके जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शारदा ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और घर में ही रहती थी। गुरुवार की शाम उसने किसी जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, उसे रात 10 बजे जिला अस्पताल लाया गया, यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वाराणसी में 69वां गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस राष्ट्रीय पर्व को लेकर हर ओर उत्साह और उल्लास का माहौल रहा। वाराणसी के रानी अवंतीबाई स्टेडियम में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। यहां पहुंचे अतिथियों के स्वागत में अनुविभागीय अधिकारी रोशन सिंह के साथ पूरा प्रशासनिक तंत्र मौजूद रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जनपद अध्यक्ष चिंतामन नकपुरे, क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, मंडी अध्यक्ष विजय सहारे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हीरालाल ताम्रकार सहित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके परिजनों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। जनपद अध्यक्ष श्री नकपुरे ने गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया, इसके बाद उनके द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। इसके बाद स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा कदम ताल मिलाकर मार्च पास्ट कर तिरंगे झंडे को सलामी दी गई। जनपद अध्यक्ष श्री नकपुरे द्वारा मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया गया। इसके बाद शांति के प्रतीक रंग बिरंगे गुब्बारों को आसमान में छोड़कर अमन चैन का संदेश दिया गया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा आकर्षक प्रस्तुतियां दी गईं।
वहीं छात्र छात्राओं द्वारा व्यायाम कर स्वस्थ रहने की प्रेरणा भी दी गई। इस गरिमामय कार्यक्रम का समापन पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विधवाओं और उनके उत्तराधिकारियों का सम्मान शॉल और श्रीफल से किया गया। व्यायाम प्रदर्शन में जवाहर नवोदय विद्यालय ने प्रथम, कमला नेहरू कन्याशाला ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। झांकी में जवाहर नवोदय विद्यालय ने प्रथम और जनपद पंचायत वारासिवनी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं सांस्कृतिक प्रस्तुति में टिहलीबाई उत्कृष्ट विद्यालय ने प्रथम और जीनियस किड्स स्कूल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। राहुल आदित्य मंत्री आए शांति विद्यासागर आए थे। जो विपत्ति उस पर आती है उसे तत्कालीन रूप से निपटाने के लिए पेंशन योजना के लाभ में गरीबी रेखा के का बंधन हटाने का निर्णय सरकार ले रही है। केवल उन्हीं को इसकी पात्रता नहीं होगी जो शासकीय कर्मचारी है या स्वयं आयकर दाता है। लालबर्रा में भी गणतंत्र दिवस पर्व उत्साह पूर्वक मनाया गया। यहां 26 जनवरी की सुबह विभिन्न शालाओं और कार्यालयों में ध्वजारोहण किया गया। जनपद पंचायत कार्यालय में अध्यक्ष श्रीमती किरण मरावी और बस स्टैंड में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर राम प्रसाद पाठक द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद हाईस्कूल मैदान में मुख्य समारोह आयोजित किया गया। यहाँ 9 बजे जनपद अध्यक्ष श्रीमती किरण मरावी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इसके बाद बच्चों द्वारा बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। पर उनकी पत्नी माँ के मंगल सूत्र उतार लिए, चूड़ियाँ उतार ली, यहाँ तक कि उनकी जूतियाँ भी उतरवा ली। इस तरह उन्होंने भारतीय संस्कृति Yeah.
थे एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी खबरें, बने रहिए हमारे साथ। ग्रामीण क्षेत्रों में भी गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक धूमधाम से मनाया गया। समस्त शासकीय कार्यालय, स्कूलों व ग्राम पंचायतों में तिरंगा झंडा फहराने के बाद स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा रैली निकालकर ग्राम का भ्रमण कर देशभक्ति का संदेश दिया गया। इसके बाद स्कूलों में कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन हैं। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ। जिला मुख्यालय से लगे मौल नगरी भरवेली में गणतंत्र दिवस शान और शौकत के साथ मनाया गया। यहाँ मुख्य समारोह दुर्गा चौक मैदान में हुआ, जिसमें मौल भरवेली के वरिष्ठ महाप्रबंधक एसवी मसादे द्वारा ध्वजारोहण कर देश की शान तिरंगे को सलामी दी गई। सामूहिक राष्ट्रगान के बाद मुख्य अतिथि द्वारा परेड का मुआयना किया गया और इसके बाद मौल भरवेली के सुरक्षा श्रमिक और विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा शानदार परेड का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर ग्राम भरवेली के बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जंगल। नागपुर और नागपुर एकेडमी, नागपुर के बीच का पहला मैच, दूसरा मैच मॉल इलेवन परवेली और सेंट्रल बैंक। आज ही इस मैदान पे दोपहर में और सलामी के लिए मैदान पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित सलामी के जो आयोजन किया जाता है उसका वायु सुरक्षा सैनिक विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी बच्चे शानदार और दर्शनीय दृश्य दुर्गा चौक के मैदान पर।
भरवेली में ग्राम पंचायत में गणतंत्र दिवस पर सरपंच श्रीमती किरण मर्सकोले द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर उप सरपंच मोबिन खान सहित सभी पंचायत प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। यहां बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं। और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। ग्राम पंचायत बोदा में भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्कूली छात्र छात्राओं ने बेहतरीन सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसकी उपस्थित लोगों ने काफी सराहना की। पंचायत लिंगा में भी गणतंत्र दिवस समारोह उत्साह पूर्वक मनाया गया। यहां सरपंच तुलसी राम कावरे द्वारा ध्वजारोहण किया गया। यहां भी स्कूलों बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। मैं आदर ग्राम पंचायत लिंगा की ओर कोई बच्चे को धन्यवाद देता हूँ। सर्वप्रथम संदे हाथों से इमली के पत्ते का पतली बनाया है, मैं उनको आदर ग्राम पंचायत लिंगा की ओर से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और अध्यक्ष महोदय से मैं आग्रह करता हूँ उनको प्रमाण पत्र वितरित करें पतली सहित। Oh,
के अवसर पर जागपुर स्थित प्राथमिक माध्यमिक शाला में ग्राम के बुजुर्गों का विशेष सम्मान किया गया। यह कार्यक्रम युवा समर्पण सेवा समिति द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में 11 बुजुर्गों का शॉल और श्रीफल से सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा बेहतरीन सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। भरवेली में खेली जा रही फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच शनिवार को राहुल क्लब नागपुर और सेंट्रल बैंक मुंबई की टीमों के बीच खेला जाएगा। शुक्रवार को सेमीफाइनल मुकाबला हुए। पहले मैच में राहुल क्लब नागपुर और एकेडमी नागपुर निर्धारित समय में 1-1 गोल से बराबरी पर रहे। इस पर टाई ब्रेकर में फैसला हुआ, जिसमें राहुल क्लब 4-5 गोल से विजयी रही। दूसरे सेमीफाइनल में सेंट्रल बैंक मुंबई ने भरवेली मॉयल को 1-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। शनिवार को 3 बजे से फाइनल मुकाबला होगा। इससे पहले 1 बजे 14 वर्ष के बच्चों का एक फ्रेंडली मैच होगा। उसके बाद 2 बजे से नागपुर और गोंदिया की महिला टीमों के बीच मैच खेला जाएगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस की संध्या पर सभी घरों और प्रतिष्ठानों में दीपक जलाए गए। यह कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से देश दीप परिषद द्वारा किया जा रहा है। शुक्रवार 26 जनवरी की शाम हनुमान चौक से देश दीप परिषद द्वारा दीप यात्रा निकाली गई। जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश रंगलानी, भाजपा नेत्री मौसम हरिणखेड़े, विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हीरा सिंह भाटिया, देश दीप परिषद के अध्यक्ष मनीष चौरसिया, गायत्री परिवार, ब्रह्म कुमारी आश्रम सहित कोबरा बटालियन के जवानों की उपस्थिति में निकाली गई इस यात्रा के दौरान मार्ग में पड़ने वाले सभी घरों और प्रतिष्ठानों में दीपक जलाए गए। यात्रा के दौरान तिरंगा थामे कोबरा बटालियन शान से चलते रहे। यह दीप यात्रा कालीपुतली चौक पहुंची। यहां ग्राम भटेरा और बूढ़ी से निकाली गई दीप यात्रा भी पहुंची और सभी दीप यात्रा एक साथ अंबेडकर चौक पहुंची। यहां भारत माता की पूजा अर्चना कर उनकी आरती कर यात्रा का समापन किया गया। Thank you.
एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हम आपको बता दें कि पूरी में रामोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, बहुत ही भव्य पूरे शहर से हम लोगों की यात्रा निकली, कई जगह रामोली डाली गई। और ये दीप यात्रा का 10वां साल है, पिछले 9 सालों से 15 अगस्त और 26 जनवरी को दीप यात्राएं निकलती जाती हैं। और एक बहुत बड़ा प्रयास इतना बड़ा हो रहा है कि बालाघाट से कुल मिला के 8 जगह से दीप यात्राएं निकली, और केवल बालाघाट नहीं, रामबैली में दीप यात्रा निकल रही है, वारासिनी में भी निकल रही है, लालबर्रा में भी निकल रही है। इसके साथ साथ अब दीप यात्रा बालाघाट के बाहर चली गई है, चोरई में, छिंदवाड़ा जिले में चोरई है, वहाँ भी दीप यात्रा निकल रही है। हमारा पूरा प्रयास राष्ट्रीय संस्कारों की स्थापना है और ऐसा ही चलते रहेगा। और हमारा मकसद है कि सबसे पहले हिंदुस्तान की भावना हर दिल में आना चाहिए। जिस प्रकार हम दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पूर्णिमा, बौद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती मनाते हैं, उस वही उत्साह हमारे राष्ट्रीय पर्वों में क्यों नहीं दिखता। देखिए, ये देश दीप परिषद के माध्यम से और इसमें समस्त शहर की, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, सभी संस्थाएं इसमें जुड़ करके वो साथ में निकलती है और लोगों के बीच में राष्ट्रवाद की भावना को भरने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस देश के प्रति भावना, जिस प्रकार से हम देखते हैं जापान और दूसरे देशों में राष्ट्र के प्रति जो एक समर्पण की भावना होती है, उनका राष्ट्र के प्रति एक जो भाव होता है, उस भाव की जो कमी नज़र आती है उसको जगाने के लिए ये देश दीप परिषद ने देश दीप यात्रा निकाली है। इसमें सभी प्रकार के लोग, हमने देखा किसी प्रकार का इसमें कोई परहेज नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी भी संस्था का हो, कोई भी सामाजिक संस्था का, इसमें जुड़ करके निसंकोच इसमें यात्रा कर रहा है और सब अलग जगा रहे हैं और दीपक हर एक के चाहते। नगर के गुरुदेव पब्लिक स्कूल में भी गणतंत्र दिवस आन बान और शान के साथ मनाया गया। यहाँ सुबह ध्वजारोहण किया गया, इसके बाद स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। लालबर्रा में पावर ऑफ यूथ द्वारा गणतंत्र दिवस पर विशाल तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत पांडरवानी के रामजी टोला से शुरू हुई यह रैली बस स्टैंड स्थित गांधी मंच पहुंची। यहां महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी गई। रैली में डीजे की धुन पर देशभक्ति गीत पेश किए गए। ग्राम पंचायत
पंचायत कायदी के जोड़ापाट में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में भी गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक धूमधाम से मनाया गया। यहां ध्वजारोहण के बाद रैली निकाली गई, जो कार्यक्रम स्थल पहुंची। यहां बच्चों द्वारा कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। आपके बीच अगली प्रस्तुति मेरे वाले डिंग डांग करती है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गरिमामय माहौल में मनाया गया गणतंत्र दिवस पर्व। मुख्य समारोह में कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन ने किया ध्वजारोहण। शानदार परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे आकर्षण का केंद्र। जगह जगह लहराया राष्ट्रीय ध्वज। सभी जगह मनाई गई संविधान लागू होने वाले दिवस की खुशियां। राजपूत समाज ने पद्मावत फिल्म के प्रदर्शन पर लगाई रोक। कहा, कुछ असामाजिक तत्व राजपूत समाज के नाम पर फैला सकते हैं अशांति। देश दीप परिषद ने निकाली दीप यात्रा। घरों और प्रतिष्ठानों में जलाए गए दीपक। और शनिवार को भरवेली में खेला जाएगा फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच। नागपुर और मुंबई के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपना एंड्रॉयड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।